वेलकम टू DVF रेसिपीज। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड इडली। फ्राइड इडली बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो सूजी लिए, मैंने यहाँ मोटी वाली सूजी लिए। सबसे पहले सूजी को एक पतीले में डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ मैं फ्राइड इडली दही से ना बनाकर खट्टी छाछ से बना रही हूँ। खट्टी छाछ से बनाने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं खट्टी छाछ। छाछ और डालेंगे। सूजी को मैंने अच्छे से भिगो दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। बैटर को 1 घंटा हो गया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं मीठा सोडा। इनो डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके का बैटर चाहिए हमें। चलिए अब इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। इडली बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ इडली स्टैंड। सभी पे ऑयल लगाएंगे। सभी पे ऑयल लगा दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं इडली बैटर। इस तरह से एक एक करके इडली बैटर डालेंगे। सभी सांचों में मैंने बैटर डाल दिया है। एक एक करके इडली की सांचे रखेंगे। इस तरह से और 15 से 20 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गई है। चेक कर लेते हैं। ये देखिए इडली स्टीम हो गई है। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। देखिए सभी इडली को मैंने बाहर निकाल दिए। अब एक एक करके इन्हें एक प्लेट में रखेंगे। इस तरह से बची हुई इडली को भी बाहर निकाल लेंगे। एकदम फूली फूली स्पंजी इडली बन के तैयार है। ये देखिए इस। चलिए अब इन्हें कट कर लेते हैं और इनको फ्राई करते हैं। इस तरह इसके टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से टुकड़े कर लेने। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। ये देखिए फ्राइड इडली बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा और राई। कड़ी पत्ते डालेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ कटी हुई इडली। मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। इडली में ऑलरेडी नमक है इसलिए इसमें कम ही नमक डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं
कश्मीरी लाल मिर्च, सादा लाल मिर्च डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। दो मिनट के लिए इसे इसी तरह पकाएंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्राइड इडली बनके तैयार है। इस तरह आप घर पे ही बना सकते हैं फ्राइड इडली। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।